जिला अस्पताल के स्थानांतरण को लेकर सर्व समाज ने जताया विरोध। बोले, आमजन को हो रही परेशानी, इसलिए प्रशासन व सरकार से यथावत रखने की करेंगे मांग, नहीं तो होगा आंदोलन। कमेटी का हुआ गठन, पूर्व सभापति रितेश शर्मा को बनाया संयोजक। सामान्य चिकित्सालय धौलपुर के स्थानांतरण के विरोध में बुधवार को शहर के श्याम कॉम्प्लेक्स में सर्व समाज द्वारा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के सभी प्रबुद्ध जनों की भागीदारी रही और सभी ने सामान्य चिकित्सालय धौलपुर को पुनः शुरू कराने के विषय पर चर्चा की। साथ ही सभी गणमान्यों ने एक संयोजक कमेटी का गठन करने का भी निर्णय लिया, जिसमें सर्वसम्मति से पूर्व सभापति रितेश शर्मा को संयोजक बनाया गया। बैठक में पूर्व मंत्री अब्दुल सगीर खान ने कहा कि सामान्य चिकित्सालय शहर से करीब 5 किलोमीटर दूर जाना सभी लोगों की समस्या का विषय है। इससे गरीब तबके के लोगों को मूलभूत स्वास्थ्य सुविधा का लाभ नहीं मिल सकेगा, इसलिए प्रशासन को इस विषय पर गंभीर विचार करना चाहिए। पार्षद विशंबर दयाल शर्मा ने कहा कि यह शहरवासियों की मूलभूत सुविधा से जुड़ी हुई समस्या है और हम सब लोग मिलकर इस समस्या के समाधान के लिए एक हैं। हर हाल में प्रशासन एवं सरकार से मिलकर समाधान कराया जाएगा। पूर्व सभापति रितेश शर्मा ने कहा कि मेडिकल कॉलेज का खुलना धौलपुर के लिए सुविधा का विषय है, परंतु जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज में स्थानांतरित किए जाने का निर्णय आम जन के स्वास्थ्य के प्रति प्रशासन के लिए संवेदनहीन होने का प्रतीक है, जिसके परिणाम स्वरूप शहर के करीब 80,000 से अधिक आबादी को शहर से दूर स्वास्थ्य चिकित्सा लाभ के लिए भटकना पड़ेगा। इसलिए प्रशासन के इस निर्णय का सभी विरोध करते हैं और प्रशासन से हम मांग करते हैं कि सामान्य चिकित्सालय को यथावत स्थिति में सुचारू रूप से संचालित किया जाए। एडवोकेट जयपाल सिंह गुर्जर ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधा ही आम जन की मूलभूत सुविधा है, लेकिन धौलपुर शहरवासियों का दुर्भाग्य है कि प्रशासन इतने गंभीर मसले पर असंवेदनशील होकर धौलपुर सामान्य चिकित्सालय को मेडिकल कॉलेज में स्थानांतरित कर दिया है, जिसका प्रत्येक आमजन विरोध कर रहा है। गौरव गर्ग ने कहा कि धौलपुर शहर का अधिकांश भाग सामान्य चिकित्सालय की ओर है, यहां से अस्पताल स्थानांतरण होने से आम जन को काफी परेशानी हो रही है। शिक्षक गोविंद शर्मा ने कहा कि मेडिकल कॉलेज शहर से दूर है, आम जन को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, शहरवासियों को इस समस्या को लेकर आगे आना चाहिए। हरप्रसाद गुप्ता ने कहा कि इस अस्पताल का शहर में संचालन होना अति आवश्यक है, हम सभी इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे एवं हर संभव इसे यथावत रखवाने का प्रयास करेंगे। इस दौरान राजेश शर्मा उर्फ चड्डा गुरु ने कहा कि प्रशासन द्वारा हमारी इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो आगामी लोकसभा चुनाव में शहरवासी मतदान का बहिष्कार करने के लिए मजबूर होंगे। पूर्व पार्षद राम सिंह कोहली ने कहा कि यह गरीब एवं आम नागरिक से जुड़ी हुई समस्या है, प्रशासन एवं सरकार तक समस्या को पहुंचाकर समाधान की मांग करते हैं। हमीद खान पूर्व पार्षद ने कहा कि शहर के सामान्य चिकित्सालय को पूर्ण रूप से बंद करने से शहर के सभी लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इस पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। बैठक में बाल मुकुंद शर्मा, श्री भगवान शर्मा, उपेंद्र दत्त शर्मा, श्यामू पंडित, आशीष शर्मा, लव कुमार गोयल, मोहसिन खान, राम अवतार परमार, मंगल सिंह परमार, रघुवीर बघेल, प्रहलाद शर्मा, मदन शर्मा, प्रवीण श्रीवास्तव आदि सैकड़ों प्रबुद्ध जन मौजूद रहे। जो निर्णय लिया गया अस्पताल को शिफ्ट करने का, इसको बंद करने का, 100% इस पे विचार नहीं किया गया, बिना सोचे समझे निर्णय ले लिया गया है और ये सोचा नहीं गया कि इसके परिणाम क्या होंगे। ये बिल्कुल नहीं सोचा कि 80,000 से ज्यादा लोग जो इस तरफ रह रहे वो कहाँ जाएंगे। मेरा निवेदन ये है कि ये जिस प्रकार से लोग इस मुहिम से जुड़ रहे हैं उससे पहले ये कोई विकराल रूप ले, उससे पहले प्रशासन अपने डिसीजन को रिवोक करे और यहाँ सुविधा उपलब्ध करे। अस्पताल की जो मुद्दा है वो पूरी जनता से जुड़ा हुआ है, गरीबों के लिए चाहे अमीर हो, सबके लिए बहुत जरूरी है। और यहाँ से आज 5-6 किलोमीटर ले गए तो ये भी नहीं सोचा कि आज का मरीज कैसे पहुंचेंगे, दिन में ही मुश्किल है तो रात में तो निश्चित रूप से मरीज को मरी जाना है। इसलिए मेरे सभी साथियों से, सभी भाइयों से, सभी धौलपुर के नागरिकों से अपील है कि वो तन मन धन से एक साथ खड़े हो जाएं। ये हॉस्पिटल ही नहीं है बल्कि और भी बड़ा हॉस्पिटल बने धौलपुर में। धौलपुर विधानसभा की जनता
धौलपुर शहर के इस हॉस्पिटल उनके लिए करीब पड़ता है, उसके साथ जुड़ी हुई है। अगर इसको शिफ्ट किया गया पूर्ण रूप से तो हम सब संघर्ष करेंगे, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो। आदरणीय मुख्यमंत्री से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस धौलपुर शहर के हॉस्पिटल को यही रहने दें, ये सारी सुविधाएं यही रहने दें। धन्यवाद। का जन्म संवेदनशीलहीन सरकार और संवेदनहीन जिला प्रशासन की वजह से लेना पड़ा है, क्योंकि जो 80,000 पब्लिक है वो मेडिकल कॉलेज में अगर हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाएगा तो ये पब्लिक कहाँ जाएगी। एक ओर तो हाईवे है, दूसरी ओर टेम्पो वाले भी 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर का पैसा अब बहुत मांगते हैं। तीसरी बात, छोटे तबके के लोग इसी 80,000 में संगठित हैं, इनके लिए संवेदनशीलता बहुत अनिवार्य है। अगर प्रशासन ने निर्णय नहीं लिया तो ये संघर्ष जारी रहेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पुराना हॉस्पिटल जो है शिफ्ट करके नई बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया गया है, जो कि बाड़ी रोड पर स्थित है। यहाँ पर इवन इमरजेंसी सेवाएं भी मौजूद नहीं है। इमरजेंसी में अगर आप जाते हो तो 4-5 लड़के ही आपको मिलेंगे, चिकित्सक आपको नहीं मिलेगा। तो मेरी ये अपील है, सरकार से ये अपील है कि कृपया यहाँ पर एक छोटा हॉस्पिटल तो चालू रखें जिससे कि लोगों को तकलीफ ना हो।